सबका बहुत स्वागत है आर्यना एनिमेशन जंगली महाराज रोड पुणे की तरफ से। 12th पास आउट बहुत सारे बच्चे हो गए, अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट लगा था और सबके मन में एक सवाल चल रहा है कि आफ्टर 12th क्या करना, मतलब कि 12वीं का रिजल्ट लग जाता उसके बाद में क्या करना। बहुत सारे फील्ड ओपन हो जाती, मुझे तो समझ में नहीं आता कहाँ से कौन सी फील्ड कब जन्म ले लेती है और पता चल जाते कि इस फील्ड में करियर करना चाहिए। मेरे हिसाब से कि आपको हमारे फील्ड की तरफ आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो मैं किसी मार्केटिंग पर्पज के लिए बना रहा हूँ, फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज, कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए कि AVGC क्या है, एनिमेशन VFX गेमिंग एंड कॉमिक्स। ये जो नया सेक्टर इंडियन गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारामन जी ने जो भी एक फील्ड को प्रमोट किया इंडियन बजट 2022 में कि AVGC फील्ड को गवर्नमेंट के अंडर लिया जाए, उसके लिए टास्क फोर्स का क्रिएट किया गया। बिकॉज ऑफ कि इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, इस फील्ड में जो करियर ऑप्शन है वो लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन है, जॉब सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है, आपको लोग ढूंढते हुए आएंगे, इतना सारे जॉब्स इस फील्ड में है। बट उन चीज़ों के लिए लगता है कि आपका अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, या फिर एजुकेशन वो जगह पे होना चाहिए कि जिस जगह पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है ना। अगर आपको एनिमेशन में करियर करना है, लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में जो कि एजुकेशन दे रहे, बट एग्जैक्टली क्या एजुकेशन दे रहे, क्या उनका कोर्स करिकुलम है, क्या वो स्टूडियोज में उनका कुछ नाम है या नहीं है, वो भी पता करना जरूरी है। नहीं तो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लो जिसको स्टूडियो वालों ने उस इंस्टीट्यूट का नाम ही कहीं सुना नहीं है, जो इंस्टीट्यूट 2 महीने पहले लॉन्च हुआ होगा, और उस इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर लो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो भूल ही जाओ। मतलब मैं तो बोल देता हूँ कि भाई अगर आप ऐसी जगह से क्लास करोगे जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट को जानते ही नहीं तो वहाँ पे कैसे लेंगे। मतलब कि एक सिंपल सी बात है, अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, कुछ अगर बड़े लेवल पे बनना है तो आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जाते हो कि जहाँ पे उस पोजीशन के लिए प्रॉपर सिखाया जाए। क्योंकि हमें लगता है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी लगने वाली है तो भाई हम रिस्क नहीं ले सकते, तो आप एनिमेशन के करियर के लिए क्यों रिस्क ले रहे हो? ठीक है, आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में सोचिए जहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध है, आपको टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, आपको प्रॉपर वाला प्रैक्टिस लैब मिल रहा है। हो क्या रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट चार्जेस बहुत कम ले लेते हैं ना, कोई कोर्स जैसे कि भाजीपाला का मार्केट लगा हुआ है, किसी ने 2 लाख बोला तो भाई कोई 1 लाख में बेच देगा, कोई 50,000 में बेच देगा, और फिर जब आपका बच्चा वहाँ पे एडमिशन ले लेता है या खुद आप स्टूडेंट हो तो आप वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो तो आपको पता चलता है कि प्रैक्टिस लैब भरी पड़ी है, आप वेटिंग के लिए खड़े हो, आपको कोई प्रैक्टिस लैब में एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो ये सब चीजें आपको वहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ देगी। सो इसलिए सोचना, इसलिए विजिट करना अरेना एनिमेशन JM रोड पुणे। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे सेंटर संभाल रहा हूँ, मुझे बहुत सालों से मैं इस सेंटर के लिए काम कर रहा हूँ, इस फील्ड के लिए काम कर रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो दूसरे इंस्टीट्यूट के जो मुझे फोन करके ये बोल रहे हैं कि सर जॉब्स है क्या, कुछ जॉब्स लगा दो। बिकॉज अब ये क्या हो रहा है कि जब वो लोग एजुकेशन कर रहे थे या वो जो एजुकेशन ले रहे थे तो सिखाया तो सब गया, कोई टीचर कभी गलत नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, बट उस टीचर के सिखाने के बाद में जो सब्जेक्ट आता है कि प्रैक्टिस वो हुआ नहीं शायद, या फिर वो होने के बाद में सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत डिले कर दिया, सर्टिफिकेट आ ही रहे, ठीक है बच्चों को पता ही नहीं उसका सर्टिफिकेट कब आएगा, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। सो थोड़ा सा देख लेना, जो भी रहेगा बेस्ट ऑफ लक। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट आईडी आपको दिख रहा होगा, अरेना एनिमेशन का पूरा पीछे वीडियो आपको दिख रहा होगा, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, देन हम लोग बाकी का जो भी रहेगा सेंटर में मिलके बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय।